सशिकल सारे मैन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का दिन हमारा शुरू हुआ है, अभी नारियल पीने जा रहे हैं। पता है नारियल पानी पीने जाएंगे कि स्विमिंग करने जाएंगे पहले। सो यहाँ पे कितनी सही डेकोरेशन लग रही है, तो बस अभी लिफ्ट को बुलाते हैं। सो लिफ्ट जैसी आती है तो अभी हम जाएंगे। पहले कितना जाना मैडम, देखते हैं नीचे जाके कि कहाँ जाना है। तो आज थोड़ा प्लान है कि थोड़ी शॉपिंग करनी है स्विमिंग के रिलेटेड, थोड़े से ट्रंक्स वगैरह लेने। सो लेट्स होप कि आज का दिन, क्योंकि कल के दिन में मैं आपको क्या बताऊँ, अभी मैं लिफ्ट में जाके आपको एक चीज़ बताता हूँ। सो कल के दिन में जितना हमें जॉब मिला ना, मैं आपको क्या बताऊँ, कल हमें ऑलमोस्ट 3:30 बजे वहां से निकले थे, तो 7:30 घर पहुंचते हो गए थे। 3 से 4 घंटे का जाम था हमारा। कल में हालत खराब हो गया, मॉल में हम 2-3 घंटे रहे और जो जाम में हम 4-5 घंटे रहे। सुबह जाने में भी 1.5-2 घंटे लग गए, आने में तो 3-3.5 घंटे लग गए। हालत बुरी हो गई, तो घर पे हमारा फ्लोर आ गया। सो अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ, डिसाइड हो चुका है। तो बाद में क्योंकि नारियल सबके लिए लेके आने, खुद भी पीना है और सबको भी पिलाना है, तो फिर वापस जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर उनका पूल में आएंगे, वो फायदा नहीं। तो पहले पूल में चलते हैं, स्विमिंग करते हैं, फिर स्विमिंग के बाद सीधा यहाँ से चलेंगे हम नारियल पानी लेने के लिए। सो लेट्स सी आगे हम अपने एंट्रेंस पे। हवा बड़ी तगड़ी चल रही है, आज मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए, कल रात को यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, नवरात्र वगैरह चल रहे हैं, तो उसके चक्कर में यहाँ डांडिया वगैरह, बच्चों के डांस वगैरह प्रोग्राम वगैरह, वो यहीं सारा कुछ हो रहा है। तो ये ऊपर हमारा वो है जिम एरिया, तो जहाँ पे अभी तक मुझे जाने नहीं हुआ। सो ये साथ ही में स्कूल भी है, वाह कितनी सही चीज़ है ना, साथ में स्कूल साथ में सोसाइटी, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे उनके लिए तो मज़ेदार चीज़ है। तो अभी यहाँ पे कोई अंदर प्रिपरेशन या कोई फंक्शन चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, ये पार्टी हॉल है इनका। सो अभी हम जा रहे हैं पूल में। सो स्विमिंग चल रही है अभी, मेरे टोटल कितने हो गए, 500 मीटर्स हो गई है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 लेंथ इन जम्मू एंड 10 लेंथ ओवर एयर। सो अभी देखते हैं, यहाँ पे हवा बड़ी तेज चल रही है और ऊपर सूरज ज़्यादा आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। सो अभी शायद से 10 लेंथ और मारूंगा, 1 किलोमीटर पूरा करके जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं करूँगा, यह ना हो कि कमर हो जाए। सो लेट्स सी, इसके बाद फिर चलेंगे थोड़ा नारियल पानी पीने, हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि बड़े दिन हो गए बाहर के चल रहा है। बट यहाँ का कुछ अनहेल्दी हमने इतना ज़्यादा खाया नहीं, डोसा ही खाया, इडली खाई, वड़ा है जो एक चीज़ फ्राइड है, बाकी सब तो चलो ऑलमोस्ट ठीक है। ओके। सो अभी स्विमिंग ख़त्म करते हैं, तो वहाँ से यहाँ पे चेंजिंग रूम बड़ी दूर बनाते हैं, पता नहीं सोसाइटी वाले कि वो पार्किंग पे जाके चेंजिंग रूम है हमारा। यहाँ पे स्विमिंग खत्म करूंगा, स्विमिंग खत्म करके निकलूंगा नारियल पानी पीने के लिए, फिर सीधा आपको एक दो कपड़े छपे मारनी है आपसे वहाँ पे। सो स्विमिंग पार्ट हमारा डन हो चुका है, तो ये रहा प्लेग्राउंड। तो पता नहीं जनरेटर चल रहा है, क्या चल रहा है, बड़ी आवाज़ आ रही है, कैसे गार्डन पता नहीं कुछ हो रहा है, आगे जाके देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं नारियल पानी पीने के लिए। यार कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी सोसाइटीज़ ना जम्मू में भी होनी चाहिए, जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो, तो बंदा यहाँ सोसाइटी में फ्लैट ले ले, पूल भी है, क्रिकेट पिच भी है, और क्या कहते हैं, बड़ा कुछ है यहाँ पे। तो भाई फ़ायदे अपने अपने, घर के अपने फ़ायदे हैं, फ्लैट्स के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान वगैरह सारा कुछ है। घरों के नुकसान ही है, फ्लैट्स के थोड़े बहुत नुकसान है, रिस्ट्रिक्शन होती हैं बहुत ज़्यादा, बट फैसिलिटीज़ ज़बरदस्त है यहाँ पे। सो नारियल पानी हमने पी लिया, तो अब जा रहे हैं वापस सोसाइटी की तरफ, या साथ में था, तो यहाँ पे भी एक टिफिन पॉइंट है, यहाँ पे भी किसी दिन ट्राई करेंगे, कुछ दिन बाकी रह गए हमारे, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सुबह 6:30 से लेके 3:30 तक होता है, तो आज हम सोचा यहाँ ट्राई करेंगे, बट ये यहाँ पे था नहीं कुछ, तो अभी जा रहे हैं सोसाइटी में वापस। राजमा चावल बने हुए, राजमा चावल खाएंगे जाके हम। सुनो तैयार हम हो चुके हैं सारे, तो ये आज का मेरा आउटफिट है, वाइट टी शर्ट, साथ में जीन्स है मेरी और स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि दूसरे शूज़ मैं लाया नहीं, मैंने बोला था मैं दूसरे हाई एंकल शूज़ लाऊंगा, बट ये महारानी की वजह से मेरे वो शूज़ नहीं आए। सो अभी हम जा रहे हैं डीकैथलॉन के स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए, कुछ स्विमिंग इक्विपमेंट्स लेने हैं, देखते हैं कुछ और समझ में आता है वो भी ले लेंगे, और साथ ही में ये करोगे, ये थर्ड फ्लोर पर रुके, मैंने लगा मेरा फ्लोर आ गया, तो साथ ही में कुछ खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। सो ये देखिए हमारी गाड़ी भी साफ़ हो चुकी है, तो यहाँ पे भैया के यहाँ पे ही साफ करने वाला आता है, तो उसने गाड़ी साफ़ की, अंदर से पता नहीं क्यों नहीं किया, बाहर से तो हो चुकी है, अंदर से भी साफ़ हो चुकी है गाड़ी ऑलमोस्ट। सो वाह क्या बात है। सो मैं ले रहा हूँ दूसरी गॉगल अपनी, एक उतार के ये वाली उतार के मैं लगाऊंगा दूसरी वाली। सो जितने दिनों से हम बेंगलोर में ना, तो पहली बार मुझे इतना बेंगलोर खाली खाली लग रहा है, क्योंकि आज संडे तो है ही, अब पता नहीं कि हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो आज खाली है। गांधी जयंती, हाँ आज गांधी 2 अक्टूबर भी आया, तो उसकी वजह से भी क्या पता लोग घर में गांधी जयंती मना रहे हो या कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो घर पे बैठ के, बट आज बेंगलोर खाली खाली लग रहा है, मजा आ रहा है घूमने में पहली बार बेंगलोर में 5-6 दिनों में। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ही नजर लगी है, तो जाम का फिर से आगमन हो चुका है एक बारी, तो जैसे मैं कह रहा था कि आज जाम नहीं है, तो जैसे ये बोला तो 1 किलोमीटर के बाद जाम मिल गया हमें।
सो पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह है डेकैथलॉन का स्टोर, और यहाँ पे चल रही है नीचे स्केटिंग की प्रैक्टिस। तो स्केटिंग देख के ना हर बारी मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं कि जब मैं स्केटिंग करता था अपने टाइम पे, तो बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था उस टाइम का भी। बट अभी जा रहे हैं अंदर स्विमिंग का सामान लेने। शुरू मैंने कुछ और किया था, मैं आपको एक दिन कहानी बताऊंगा। स्टेट मैंने नेशनल किसी और में खेले, नेशनल मेडलिस्ट किसी और में बना, वर्ल्ड चैंपियन किसी और गेम में बना। सो अभी हम जा रहे हैं स्टोर के अंदर, वो किसी और दिन कहानी छेड़ूंगा आपको। सो शॉपिंग पार्ट हमारा डन हो चुका है। तो एक लिया है मैंने, क्या कहते हैं इसको, फिन लिए हैं छोटे वाले, और एक लिया है स्विमिंग का ट्रंक। लो जी हम वापस पहुंच गए अपनी सोसाइटी की तरफ। तो अभी अभी हमने ऑर्डर किए हैं गर्मा गर्म समोसे। सो अभी थोड़ी देर के बाद चाय समोसे इंजॉय करेंगे हम यहाँ पे। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। पूरी रात पड़ी है हमारे पास, देखते हैं फिर उसके बाद कुछ खाने पीने जाते हैं कि नहीं जाते। तो अभी ये समोसे खाएंगे, चाय पियेंगे, मज़ेदार कड़क सी चाय, और शहर से क्लब हाउस देखने जा रहे हैं। तो आपको क्लब हाउस दिखाते हैं। लो जी लास्ट टाइम आपको दिखाया नहीं था, तो इस टाइम सोसाइटी का के अंदर टेबल टेनिस बैडमिंटन का कोर्ट भी। सो ये था वेट ट्रेनिंग एरिया, और साथ ही में ये पूरा जिम है आगे। तो यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हो आराम से सोसाइटी का, अगर जिसको जिसको ऑक्सीजन आ रही हो यहाँ से बाहर आके ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो कल तक यहाँ पे दो टेंट थे, आज तीसरा चौथा भी ऐड हो चुका है। तो वहाँ गई हमारा फ्लैट है टॉप पे। सो यहाँ से भी सोसाइटी का व्यू अच्छा ही आ रहा। तो ये पूरा पीछे जिम का एरिया दो फ्लोर्स में डिवाइडेड है, एक ये नीचे वाला है और एक इसके ऊपर वाला, उसमें देखते हैं क्या है अभी। सो यहाँ पे सारे बोल गए हमें, क्रॉस ट्रेनर्स हो गए, साइकिल्स हो गए, ट्रेडमिल्स हो गए, बट मिस कर रहा हूँ, काश इंजरी नहीं होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे 10 दिन लगे, जितने दिन यहाँ पे थे 10 से 12 दिन तो रेगुलर आके मैं वर्कआउट करता। सो यहाँ पे योगा रूम, यहाँ पे स्नूकर रूम, आइए खेलें स्नूकर। टेबल कवर करके एक ये बिलियर्ड, पता नहीं एक स्नूकर का होता है, एक पता नहीं किसका होता है, दोनों में से ये बड़ा है वो छोटा है, बाद में देखेंगे किसने इतनी टेंशन लेनी है। और वो इंडोर गेम्स के लिए यहाँ पे है, क्या लगा कैरम बोर्ड, और वो उसको कुछ कहते हैं पता नहीं। तो यहाँ से हम अंदर से आगे टेबल टेनिस का भी है, इसको क्या कहते हैं, फुसबॉल करके। तो वहाँ पे पूरा टेबल टेनिस का आगे वो ग्राउंड है, तो अभी चलते हैं नीचे। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जिम वगैरह के ऊपर ही गार्डन बनाया हुआ। तो एक सोसाइटी में ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में टेरिस गार्डन है, सुनो भैया जितनी बिल्डिंग सब में टेरिस गार्डन है ना। हाँ, तो जितनी भी यहाँ पे 8 की 8 बिल्डिंग है ना, सबके ऊपर टेरिस गार्डन भी है। तो वो देखें जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं ना हर सोसाइटी के बीच में, ऐसे मिडल कर गया टॉप के ऊपर जहाँ पे टेरिस गार्डन है। सो यहाँ पे स्पा भी है, सोना भी है, और क्या था, स्क्वैश का सेंटर भी है। ओ भाई क्या नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मेरा स्विमिंग पूल दिखता है, नहीं दिखता वो मैं देखता हूँ, एक बार आइए देखना पेड़ों की, वैसे वो छुपा हुआ है यहाँ से स्विमिंग पूल, बट यहाँ से यहाँ से लेक दिख रही है, मैं आपको लेक दिखाता हूँ। वो लेक है ना सामने, दीदी दिखाएगी आपको लेक, वो देखिए सामने लेक का व्यू आ रहा है, जूम मार दो जरा सा, और जूम मार दो। वो देखिए सामने लेक दिख रही है बट पूल नहीं दिख रहा, जो पूल पास में है ना बेसिकली सारा पेड़ की वैसे कवर्ड है। तो चलिए अब चल रहे हैं, समोसे आने वाले हैं हमारे, समोसे वेट उनको इंतजार नहीं कराना, वो गरम गरम खा लेना। तो वी आर डन विद द क्लब, जो आपने देखा क्लब हाउस है, तो इसलिए कहते हैं कि क्या बोलूँ मैं इसको, आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी समोसे वाला भी हमारा निकल चुका है अपनी जगह से, तो हमने पूरा टूर भी ले लिया। सो लिफ्ट लेते हैं, चलते हैं इधर 10वें फ्लोर पर। आगे हमारे समोसे तो आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 वाह। और साथ में चटनी है, पता नहीं कौन से खा के पता चलेगा, चीनी की है गुड़ की है। अभी ये खाते हैं और इसको निपटाते हैं। सो राइट नाउ वी आर लीविंग द सोसाइटी फॉर आर इवनिंग क्रेविंग्स, सो लेट्स सी क्या खाते हैं। तो 1.5 किलोमीटर वॉक करते करते जाएंगे। सो जो मिलेगा, महाराष्ट्र मिल जाए या बॉम्बे वाला मिल जाए या कुछ भी मिलेगा, सब निपटा देना हमें। सो लो जी सबसे पहली चीज़ शाम की आ चुकी है, दैट इज़ वेज मोमोज। यहाँ से हमने लिया है अपने लिए पनीर काठी रोल। तो पनीर काठी रोल तो पता नहीं अब कैसे होगा कैसा नहीं होगा। सो अब इसको एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं अगली जगह पर। सो अब हम खाने आए हैं वड़ा पाव। सो वड़ा पाव टेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे आगे, हमें दही वड़ा खाने का मन है, तो देखते हैं वो कैसा होगा, अच्छा ही होगा, अच्छी बात है। तो हमने जो वड़ा पाव थे वो सारे पैक करा लिए। तो अब यहाँ पे हमने बॉम्बे की एक बड़ी स्पेशल जनजनी मिसल पाव ऑर्डर किया। तो जिनको तीखा खाने का पसंद है ना, तो उनके लिए बड़ी ही सही चीज़ है ये, बहुत ही स्पाइसी लेवल पे होती है। आप रोगन देख सकते हैं जो लाल कलर का ऊपर आया हुआ, जबरदस्त लग रहा है, तो इसको खत्म करते हैं। और 5 हमने वड़ा पाव भी पैक करा लिए कि सारे घर बैठ के जाके आराम से खाएंगे। राइट नाउ वी आर डन विद द महाराष्ट्रियन फूड, हमने वड़ा पाव पैक करा लिए और मिसल पाव खाए। मिसल पाव बड़ा ही अच्छा था सही में, एक तरह की ना मिक्सचर होती है, मिक्सचर को वो क्या कहते हैं तड़का लगाया जाता है, मतलब एक तड़का होता है उसके अंदर मिर्च डाली जाती है, तरी सी होती है स्पाइसी ग्रेवी,
तो उस तरह खाया मिसल पाव, तो कर्नाटक के पाव भी थोड़े बहुत मुंबई जैसे हैं। तो अभी घर पे एक और चीज़ आ रही है, हमने एक और चीज़ यहाँ से स्विगी कर ली है, तो घर पे जाके आपको बताता हूँ। सबके साथ पहले जाके करेंगे बड़ा पाव इन्जॉय। सो अभी यहाँ से है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हमारा फ्लैट, सो वॉक भी हो जाएगी। उसके साथ ये आगे जी हमारे बड़ा पाव, थैंक यू भैया। सो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। सो फाइनली करोड़ों सालों के बाद हम वापस अपनी सोसाइटी पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए, मैं जल्दी बंद करूंगा क्योंकि गाने लगे हुए हैं यहाँ पे। आज के डिनर में हमारी राजमा की दाल, ये देखिए जम्मू की बहुत मशहूर कच्छी मार के दिखाते हैं। आय हाय हाय क्या ही स्वाद लग रही है। सो साथ ही में है ये क्या है, ढक्कन, ढक्कन के नीचे है फिर दाल है लंगर वाली, ये लंगर वाली है दाल है, पर ये भी बड़ी स्वाद बनी थी। साथ ही में फुलके और चावल बने हुए, ये रही हमारी फिश, ये साथ में आई हुई है फिश खाएंगे। और साथ में देखो बड़ा पाव पड़े हमारे, तो कोई कदर ही नहीं कर रहा, कोई बेचारों की कदर ही नहीं कर रहा बेचारे साइड पे पड़े हुए। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना।